तो फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटोन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जो हमारे पास एक टीवी आया है, जिसका टीवी का प्रॉब्लम है मिडिल में एक लाइट आता है, वो डिम होके लाइट आता है लेकिन फुल पिक्चर नहीं आता। और इसका प्रॉब्लम जो होता है दोस्तों, पहले तो हम लोग समझते हैं जो हमारा योग होता है उसका प्रॉब्लम से होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक सोचने की बात है। यहाँ पे योग का प्रॉब्लम होता तो हमारा एक सेक्शन प्रॉब्लम होता, हॉरिजेंटल सेक्शन प्रॉब्लम होता या तो वर्टिकल सेक्शन प्रॉब्लम होता, लेकिन दोस्तों यहाँ पे दोनों सेक्शन ही प्रॉब्लम है, इसीलिए डिम होकर पिक्चर आ रहा है। और आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे जो हमारा योग का कनेक्शन है वो कनेक्शन नहीं दिया तो ये वाला प्रॉब्लम आता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए आप लोग, ये वाला हमारा टैग लगा हुआ है, ये वाला हॉरिजेंटल पिन के लिए, ये वाला वर्टिकल पिन के लिए लगा हुआ है। लेकिन दोस्तों हमारा वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों ही पिक्चर का प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब हमारा वर्टिकल हॉरिजेंटल दोनों ही रिपेयर करना पड़ेगा। और आप लोगों को देखा दूँ कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम होता है, क्या प्रॉब्लम होता है। आज ज़्यादा टाइम नहीं रहूँगा, वो टाइम का शॉर्टेज के कारण आप लोगों को शॉर्ट जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, हमारा वर्टिकल आईसी पे जो हमारा वोल्टेज होना चाहिए वो हमारा वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज हमारा होना चाहिए 30 वोल्ट, जो 30 वोल्ट होना चाहिए हमारा वोल्टेज है वर्टिकल पे। और हमारा यहाँ पे जो डायोड दिया गया है इसका आउटपुट पे भी हमारा 30 वोल्ट होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, मतलब हमारा वर्टिकल सेक्शन पे कोई प्रॉब्लम है। इसीलिए दोनों जो पॉजिटिव होना चाहिए वो दोनों पॉजिटिव हमारा नहीं है, और मिडिल पे जो हमारा नेगेटिव पिन होता है वो हमारा नेगेटिव पिन है। मतलब यहाँ पे तो हमारा 30 वोल्ट आता है, लेकिन यहाँ पे हमारा 30 वोल्ट नहीं है। इसीलिए दोस्तों हमारा जो वर्टिकल पिक्चर लेंथ बढ़ाता है जो हमारा, वो लेंथ का प्रॉब्लम हो गया है वर्टिकल प्रॉब्लम से, लेकिन हमारा हॉरिजेंटल सेक्शन का जो प्रॉब्लम है जो लेफ्ट राइट पिक्चर बढ़ाता है वो हमारा प्रॉब्लम अभी तक है। पहले तो हम लोग दोस्तों ये वाला जो डायोड है ये डायोड को चेंज करेंगे, उसके बाद हम लोग वर्टिकल जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व करेंगे, उसके बाद पिक्चर दिखा देंगे। दोस्तों आप लोगों को देखा दो, ये वाला जो हमारा डायोड है, ये वाला डायोड का नंबर है हमारा 4004 का डायोड है, ये वाला जो डायोड है हमारा 4004 का डायोड है, लेकिन दोस्तों हमारे पास 4004 का डायोड नहीं है, इसीलिए हम ये वाला डायोड लगाएंगे 4007 का डायोड लगाएंगे। ये वाला डायोड लगा के हम लोग पिक्चर देखेंगे। दोस्तों मैंने ये वाला जो डायोड हमारा ख़राब था वो हम ये नया वाला डायोड लगा लिया है। पहले तो देखेंगे यहाँ पे जो हमारा 30 वोल्ट था वो 30 वोल्ट आ गया है, और हमारा जो अदर जो यहाँ पे जो वोल्टेज होना चाहिए था 30 वोल्ट, यहाँ पे भी 30 वोल्ट आ गया है। आप लोगों को पिक्चर दिखा दूँ, देखिए हमारा वर्टिकल सेक्शन रिपेयर हो गया है, इसीलिए हमारा अप डाउन जब पिक्चर होता है वो हमारा ठीक सही से आ गया है, मतलब मेरा वर्टिकल सेक्शन सही है। अब मैं लेफ्ट राइट का जो पिक्चर है वो पिक्चर लेकर आऊँगा, वो कहाँ प्रॉब्लम है वो देख लूँगा। पहले तो दोस्तों हमारा मैं खोज के निकाला हूँ, यहाँ पे जो हमारा जो कॉयल होता है वो कॉयल हमारा प्रॉब्लम है, जो जिसके लिए हमारा हॉरिजेंटल सेक्शन का प्रॉब्लम आया है। आप लोगों को देखा दूँ ये वाला जो हमारा कॉयल है, ये कॉयल हमारा टूट गया है, राष्ट्र पर के काट गया है, इसीलिए हमारा हॉरिजेंटल का प्रॉब्लम आया है। ये कॉयल को चेंज करके नया वाला कॉयल लगा के पिक्चर चेक कर सकते हैं, नहीं तो ये दोस्तों ये वाला कॉयल को चेंज नहीं करके भी ये कॉयल को शॉर्ट करके आप लोग पिक्चर सही कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो कॉयल था वो कॉयल को हम लोग नया लगाएंगे या तो यहाँ पे शॉर्ट कर देंगे, हमारा पिक्चर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये वाला कॉयल को शॉर्ट करके हम लोग पिक्चर देखेंगे। दोस्तों मेरा ये हॉरिजेंटल का कॉयल है, ये कॉयल टूट गया है, इसके लिए मैं नया कॉयल भी लगा सकता हूँ। ये वाला मेरा नया कॉयल है, ये लगा सकता हूँ या तो यहाँ पे शॉर्ट करके भी पिक्चर ले आ सकता हूँ।
मैं ये कॉइल को लगा देता हूँ और पिक्चर देखेंगे क्या ऐसे पिक्चर आता है। दोस्तों मैंने ये वाला कॉइल को चेंज करके नया वाला कॉइल लगा लिया हूँ। ये वाला देखते देखिए मैं नया वाला कॉइल लगा लिया हूँ और हमारा पिक्चर सही होना चाहिए। आप लोगों को देखा दो पिक्चर कैसे आता है। दोस्तों मैंने ये वाला कॉइल लगाने के बाद हमारा पिक्चर सही हो गया है। आप लोग देख सकते हैं। मतलब मेरा आज का जो वीडियो था, जो प्रॉब्लम था आज का, दोनों ही वर्टिकल हॉरिजॉन्टल का दोनों ही प्रॉब्लम था, इसीलिए हमारा पिक्चर वो बिंदु होके आ गया था, एक डॉट होके आता था पिक्चर। मतलब मेरा जो आज का वर्टिकल का प्रॉब्लम भी था, हॉरिजॉन्टल का प्रॉब्लम भी था। ठीक है, इसी तरह का नया नया वीडियो मिलने के लिए मेरा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।